डिप्टी चेयरमैन सर, राष्ट्रपति के भाषण पर पूरा सदन चर्चा कर रहा है, सुन भी रहे हैं। आजाद साहब की बात सबने सुनी है, भूपेंद्र यादव जी की बात भी सुनी है, सुकंजू दादा की बात भी सुनी है। सर, राष्ट्रपति जी का जो भाषण होता है वो तो सरकार के मन की बात होती है, मन का आवाज सुनिए, बात एक व्यक्ति की होती है, आवाज ये सरकार की मन का आवाज है, वो भी हमने सुन ली। लेकिन देश में भी एक आवाज उठ रहा है, वो भी सुननी चाहिए। जिस प्रकार का माहौल देश में आज हम देख रहे हैं या बनाया जा रहा है, मुझे लगता है कोई शक्ति है जो देश को फिर एक बार तोड़ना चाहता है, देश की एकता को खतरा पैदा करना चाहता है, नफरत का माहौल पैदा करना चाहता है। टुकड़े टुकड़े गैंग की बात यहां हुई, मैं मानता हूं हो सकती है, लेकिन अगर सरकार इस टुकड़े टुकड़े गैंग से नफरत करती है, इस प्रकार की कोई बात है, तो जो माहौल बन रहा है वो दुरुस्त करने की भी आपने पहल करनी चाहिए। लोग बैठे हैं दो दो महीने से, सड़क पर उतरे हैं, किसी भी धर्म के हो लेकिन देश के नागरिक है, इस देश के नागरिक है, हमारे हैं सब। आप जाइए, उनके साथ बैठिए, उनके मन में जो डर है वो दूर करिए। आप कहते हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, विकास की बात छोड़ दीजिए, 60 साल में विकास होता है, देश का विकास होता ही रहता है, विश्वास की बात है, साथ की बात है। अभी साथ की बात करें तो हम 30 साल का हमारा साथ था ना, अब हमारा साथ में 30 साल विश्वास की बात करें तो सबसे ज्यादा विश्वासघात हमसे ही हुआ है। छोड़िए, तो ये जो बातें हैं राष्ट्रपति जी के भाषण पर होती है, हम बात करेंगे, लेकिन देश के सामने जो असली समस्या है उसको तो राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में टच नहीं किया। आपने कहा सबका साथ सबका विश्वास के मंत्र पर सरकार चल रही है और सरकार पूरी निष्ठा ईमानदारी से काम कर रही है, ये बात कहने की जरूरत क्या है? हमारे मन में कोई शंका नहीं है आपकी ईमानदारी के बारे में, तो आपके मन में कंफ्यूजन क्यों है ईमानदारी और निष्ठा के बारे में? ऐसा कौन सा माहौल है कि आपके मन में शंका है कि हम ईमानदारी के साथ काम कर रहे हो? सरकार ने कहा कि हमने 8 करोड़ गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए हैं, 2 करोड़ गरीबों को घर, 38 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले हैं, उसमें 15 लाख जब आएंगे तो बैंक खाते पूरे हो जाएंगे, 24 करोड़ लोगों को बीमा सुरक्षा कवच दिया है, 3 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों को मुफ्त बिजली का कनेक्शन दिया है, यह सब आपने दिया है, हम मानते हैं, लेकिन आपने इस लाखों करोड़ों बेरोजगार युवाओं को काम नहीं दिया है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आर्थिक मंदी की वजह से इस देश में जो बेरोजगारी का राक्षस खड़ा हुआ है, देश में लगभग 1/3 युवा आज बेरोजगार है, 1 करोड़ युवाओं ने पिछले 1 वर्ष में नौकरी गंवाई है, अगर इसका जिक्र भी राष्ट्रपति जी अपने भाषण में करते तो हम इस भाषण का स्वागत करते। अगर आप ईमानदारी की बात करते हो तो ये भी ईमानदारी से बात कहनी होगी, देश में आज सबसे ज़्यादा बेरोजगार पैदा हुए हैं,
हर दो घंटों में तीन बेरोजगार आज खुदकुशी कर रहे हैं। किसान नहीं, बेरोजगार भी खुदकुशी कर रहे हैं। बेरोजगारी से लोग परेशान है, जान दे रहे हैं, और आप जीडीपी बढ़ने की बात करते हो। अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, बेकार हो चुकी है, और बजट का सबसे लंबा भाषण देने से अर्थव्यवस्था में तेजी नहीं आई। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक साल में एशिया की सबसे कमजोर करेंसी में से एक हिंदुस्तान का रुपया है, यह हमारी अर्थव्यवस्था है। कश्मीर की बात हो गई, कश्मीर की बात 370 35, अच्छी बात है, हमने स्वागत भी किया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आप बताइए। महाराष्ट्र में 3 महीने में 14 जवान शहीद हुए, महाराष्ट्र के कश्मीर में 14 हमारे जवान आज भी शहीद होते हैं कश्मीर में, तो माहौल ठीक हुआ ये आप कैसे मान सकते हैं? कितने नए उद्योग वहां गए, कितने लोगों को रोजगार मिला है आप बताइए। आज भी हम जाकर वहां 2 इंच की जमीन नहीं खरीद कर सकते, मुझे मालूम है 370 निकाला है ना आपने, प्लीज हम नहीं खरीद, मैं चाहता हूं वहां जाकर स्कूल निकालो मेरे पैसे से, मैं खरीदना चाहता हूं जमीन, आप मुझे दीजिए, मेरा चैलेंज है, मैंने बहुत कोशिश की। फिर 370 आपने निकाला है, देखिए कानून बनाए कानून बनते हैं, लेकिन कानून जो होता है वो जनता को डराने के लिए, उसकी आवाज दबाने के लिए नहीं होता, जनता को एक सुरक्षा की भावना निर्माण करने के लिए होता है। लेकिन जिस प्रकार से कानून हम बनाने के लिए जा रहे हैं, बनाते हैं, उससे देश में सिविल वॉर लाइक सिचुएशन हो रही है। आप देखिए बाहर लोगों के मन में कितना डर है, भय है, कानून का डर होना चाहिए मैं मानता हूं, लेकिन दहशत नहीं होनी चाहिए। ये कानून का राज है, कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से चलेगा मैं मानता हूं, लेकिन जिस तरह से कानून से डर पैदा करके जो राजनीति होती है, इससे देश को खतरा है। आपने भाषण में हिंदुस्तान के डिफेंस सेक्टर के बारे में बड़ी बात कही है, सेनाओं को सुरक्षा बलों के पास पर्याप्त हथियार, सुरक्षा उपकरण, बुलेट प्रूफ जैकेट, उसके बारे में बात कही है। मैंने कल प्रधानमंत्री का भाषण सुना है, आपने कहा कि अगर हम मन में लाते हैं तो पाकिस्तान को 8-10 दिन में हम धूल चटाएंगे, हरा देंगे, हरा दो, मैं अभिनंदन करता हूं, लेकिन आपको मालूम है, मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे देश के जवानों की हालत क्या है। हमारे जो पैरा मिलिट्री फोर्स है, अखबार में भी आए हैं, सब फोर्स है, उसको सबसे ज्यादा आर्थिक मंदी का जो फटका बैठता है ना, वो बैठा है। सीमा पर तैनात जवानों को तनख्वाह नहीं है 2 महीना से, रेशन का भत्ता नहीं है 3,500 रुपया मिलता है, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है, स्नो बूट्स नहीं है, 9,000 फीट ऊंचाई पर हमारे जवान वहां लडाख और सियाचिन में है, ये सीएजी का रिपोर्ट है, ये हमारा रिपोर्ट नहीं है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का रिपोर्ट नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, बर्फीले इलाकों में जो तैनात जवान है उसके पास स्नो बूट नहीं है, भाई साहब स्नो बूट नहीं है, तो आप पाकिस्तान को हराने की भाषा करते हो, सबसे पहले हम हराएंगे, सबसे पहले हमारी फौज को उनकी जो जरूरतें हैं, उनको जो रेशन का भत्ता है, उनके बच्चों को जो एजुकेशन का जो भत्ता मिलता है, उनको जो बूट, उनको जैकेट्स, उनको जो स्नो ग्लास मिलते हैं वो नहीं मिल रहा है, वो आप पहले दीजिए, उस बारे में चर्चा करिए। ये बात तो चलती है, विकास की बात चलेगी, विश्वास की बात चलेगी, सबके साथ की बात चलेगी, सालों साल चलेगी, हम भी आपके साथ साथ विकास करते रहेंगे, देश है, आप मत बोलिए प्लीज, प्लीज आप और मेरे साथ आप बात मत करिए, आपको बहुत महंगा पड़ेगा, प्लीज तो बैठे तो बात पे आप राष्ट्र नहीं, राष्ट्रपति राष्ट्रपति Nothing is going on record. Nothing is going on record. Nothing is going on record. आप जवाब देखिए, Nothing will go on record. के मैं बात कर रहा हूँ। आप संजय जी, आप इधर बोले, कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। प्लीज प्लीज मैं सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। राकेश जी, आप बैठ जाए, कृपया चेयर से परमिशन नहीं है।
आप ये इधर बोले आप चेयर संजय जी आप चेयर को एड्रेस कर बोले मैं मानता हूँ कि देश बनाने की जिम्मेदारी देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी है हम सब देश बनाना चाहते हैं प्लीज इसलिए राष्ट्रपति जी का भाषण मैं उसका अभिनंदन भी करता हूँ लेकिन अगर ये कुछ बातें राष्ट्रपति जी के भाषण में आ जाती तो ये भाषण बहुत आप अगर ऑब्जेक्शन है आप मिश्रा के सिन्हा रिपोर्ट है अरे रिकॉर्ड आप इधर बैठो ये सीएजी का रिपोर्ट है आप पढ़ना सीखिए मिश्रा के सिन्हा आप समझना सीखिए अरे आपका टाइम आएगा ये सीएजी का आप चेयर को एड्रेस करें आप चेयर को एड्रेस करें रिपोर्ट नहीं है नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड अरे छोड़ो संजय राउत जी आप चेयर को एड्रेस करें मैड हो गए संजय राउत जी ये मैड हो गए आप अरे छोड़ो प्लीज यस प्लीज बैठे ये आप चेयर को एड्रेस करें आप चेयर को एड्रेस ये सीएजी रिपोर्ट है और एक और प्लीज और एक पार्लियामेंट में रखा गया रिपोर्ट है मेरा आग्रह है कृपया आप प्लीज अपने अपनी जगह बैठे उन्हें बोले दे ये रिपोर्ट जी आप संसद में पेश किया है ये रिपोर्ट संसद में पेश किया है अरे छोड़ा राकेश सिन्हा जी नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड राकेश सिन्हा जी नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड देसाई जी राकेश जी माननीय सदस्यगण माननीय दिग्विजय सिंह जी मैं ठीक बात कर रहा हूँ अपनी जगह ले राकेश जी आप जगह प्लीज प्लीज आप लोग बैठे मिस्टर अनिल देसाई जी प्लीज बैठे आप चेयर को एड्रेस करें अगर कोई आपत्तिजनक चीज है कहा जाएगा वो एग्जामिन होगा आप चेयर को एड्रेस चेयरमैन प्लीज आपको जो ऑब्जेक्शन है कहेंगे एग्जामिन होगा कृपया बैठे आप अपनी बात डिप्यूटी चेयरमैन सर ये सीएजी रिपोर्ट है और ये संसद ने पेश किया है सिर्फ आपकी बात से रिकॉर्ड पे जाए मैं लेके आया हूँ आप और संसद रिपोर्ट के आधार पर मैं बोल रहा हूँ आपकी बात सीएजी रिपोर्ट है मेरे 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 मैं इतना ही कहूँगा कि राष्ट्रपति जी ने जो भाषण किया है उस पर बहुत सी बातें अच्छी है सरकार की हो देश की हो लेकिन ये सभी बातों का जिक्र होता तो ये भाषण और जोरदार मजेदार होता मैं फिर एक बार कृपया नीचे बैठकर आपस में बात न करें मेरे शब्द खत्म थैंक यू